बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमैरा रसलान और आप देख रहे हैं सुमैरा किचन कॉर्नर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी और क्विक और ऐसी चीज़ से बनने वाला एक ऐसा स्नैक जो कि आपके घर में मौजूद हैं जी। तो मैं बना रही हूँ चिकन और पोटैटो के नगेट्स, जो कि बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, क्योंकि चिकन की तो आजकल के ज़माने में पूरी ही नहीं पड़ती, आप लोग जानते हैं। और इसीलिए मैंने आज की जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो चिकन और पोटैटो की है। तो जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 4 अदद स्लाइस। मैंने इसके कोई किनारे शनारे नहीं काटे, मैं इसको ऐसे ही ग्राइंडर में डाल के, या आपके पास चॉपर है जो भी है उसमें डाल के इसको चला लूँगी, यानी कि ग्राइंड कर लूँगी, इसके क्रम्स बना लूँगी जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें ये होगा कि चिकन जो है ब्रेस्ट पीस में लूँगी, उसको सारा साफ़ सफाई कर लूँगी, यानी कि जो भी उसमें हड्डियाँ शड्डियाँ ये चीज़ें मैं निकाल लूँगी, और ब्रेड के साथ इस चिकन को हम क्या कर लेंगे, चॉप जी। तो हमारा चिकन ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक हो गया है, बिल्कुल मिक्स हो गया है हमारे ब्रेड के साथ, क्रम्स के साथ बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि इसमें क्रम्स हमने डाले हैं जी। तो दूसरी तरफ हमने ले लिए तकरीबन 3 अदद आलू हैं मीडियम साइज़ के, तो हमने उनको बॉयल करके काट लिया है। काटने का मकसद ये है कि ताकि अंदर से पता चले कि हमारे आलू ख़राब तो नहीं हैं कहीं। और अब जी इसमें स्पाइसेस मैं डालूंगी, चिकन पाउडर 1 टीस्पून डाला है, काली मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाली, और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है जी। तो सारे जो आलू हैं उनको मैंने हाथ से या मैशर से अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। मैशर नहीं है तो हाथ तो सबके पास ही होते हैं, दो दुला के हथन वाली शुरू हो जे हो तो सही कुट कुटा के थे चिकन और जो आलू का है ना, इसको बिल्कुल एक नर्स सॉफ्ट सी डो बना लेनी है, मिक्स करके कर ना सिर्फ सॉफ्ट सी डो बना लेनी है जी। तो ये देखिए हम छोटी छोटी बॉल्स बना के इस तरह हम अपने जो है स्नैक है उसको शेप देंगे, बिल्कुल नगेट वाली। इस तरह बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि हमने जो नगेट्स बनाए हैं वो आलू के बनाए हैं या चिकन के बनाए हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कहीं से भी, क्योंकि इसमें हमने जो चिकन पाउडर डाला है उसका फ्लेवर ही ऐसा होता है के ना उससे पता ही नहीं चलता कि हमने चिकन पाउडर जो डालते हैं ना उससे पता ही नहीं चलता कि हमने इसमें आलू डाले हैं। हाँ अगर आलू कहीं नज़र आ जाए तो वो अलग बात है जी। तो हम इस तरह इसको शेप दे लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे इसको अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स। अच्छा ब्रेड क्रम्स जो हैं हमेशा याद रखें, जो आपके पास ब्रेड रखी हुई होती है ना, ब्रेड को पहले उसको सेक के और फिर उसको ग्राइंड ना किया करें, एज इट इज़ ऐसी ग्राइंड कर लिया करें। वो जो क्रम्स होते हैं ना वो कभी भी आपके ऑयल को ख़राब नहीं करते हैं। जो क्रम्स आपके पास क्रिस्पी होते हैं, जिनको क्रम्स कहते हैं वाकई ही में, जिनको क्रम्स कहते हैं, वो आपके ऑयल को ख़राब कर देते हैं, काला कर देते हैं। तो ये जो ब्रेड ग्राइंड हुई हुई होती है ये आपके तेल को कभी भी ख़राब नहीं करेगी, आप आजमा के देख लेना जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये सारा जो मेरे पास डो था मैंने सब की माशाल्लाह से कोई 30-40 मेरे पास ये बॉल्स बन गई हैं छोटी छोटी। पहले मैं इनकी बॉल्स बना लूँगी, फिर मैं इनको नगेट की शेप में इस तरह बना लूँगी, फिर 1 बाय 1 अंडे में, और फिर उसको ब्रेड के जो क्रम्स बना के मैंने रखे हुए थे उसमें उसको कोटिंग करती जाऊँगी, लपेटती जाऊँगी और रखती जाऊँगी। माशाल्लाह से हमारे नगेट्स रेडी हैं। अब मैं 1 बाय 1 करके इनको फ्राई कर लूँगी। आपने सरसों के तेल में फ्राई करना है या ऑयल में फ्राई करना है, जिस तरह भी आप समझते हैं बेहतर, आप उसमें इसको फ्राई करें जी। तो ये देखें झटपट से हमारे क्विक से ये स्नैक तैयार है, नगेट्स पोटैटो चिकन नगेट्स। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।